हेलो फ्रेंड्स, काफी सिलाई में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंची टेप के बारे में। तो ये हमारा इंची टेप है, तो हम इंची टेप को किस तरह कपड़े में यूज करते हैं और किस तरह नापते हैं, आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा इंची टेप है, तो सबसे पहले हम इंची टेप को खोल लेंगे इस तरह। तो हमने इंची टेप को खोल लिया है इस तरफ देख सकते हैं हमारा इंच है और इस तरफ सेंटीमीटर है। तो हम पहले सबसे कपड़े की नाप करते हैं। तो जैसे कपड़ा हमें ब्लाउज बनाना होता है तो लोग पूछते हैं कि हमें ब्लाउज का कपड़ा कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर किस तरह सेंटीमीटर को नाप सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी अक्षर से गिनती शुरू हुई है तो यहाँ पर इंच है, और इस तरह जो छोटी छोटी गिनती है तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर छोटी छोटी 1 2 3 4 बना हुआ है। तो यहाँ से आप इस तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 70 आ गया है, 70। तो यहाँ पर ये 70 सेंटीमीटर हो गया। और अगर आपको 80 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए तो यहाँ पर ऐसे 80 सेंटीमीटर हो गया। अगर आपका कपड़े का नाप 1 मीटर में ब्लाउज बनता है, आप कुछ भी बना रहे हैं तो 1 मीटर चाहिए, तो आपको यहाँ पर ये देखिए 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप 100 सेंटीमीटर हो गया। अगर इसे डबल फोल्ड करके इस तरह नापेंगे तो आपका 2 मीटर में हो जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं हम इस तरफ इंच की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी गिनती है हमारी, 1 2 3 4 5, इसे हिंदी में भी बोल सकते हैं या फिर अंग्रेजी में भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हमें कुछ भी नापना हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा ये कपड़ा है, हमने यहाँ पर बाजू की कटिंग की है तो हमें बाजू को नापना है, तो ये 5 इंच, 6 इंच। तो यहाँ पर जब बात आती है कि हमें 1.5 इंच, तो 1.5 इंच कई लोग यहाँ पर निशान लगा देते हैं। तो 1.5 इंच आपको यहाँ पर हमारा 1 इंच हो गया, तो आपको 1.5 इंच कहाँ पर निशान लगाना है, तो ये जो बीच की लाइन है बड़ी वाली, ये हमारा 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन का निशान लगेगा। तो अब हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है, तो 1.25 इंच, 1.25 इंच यहाँ पर आएगा, ये वाली छोटी वाली निशान को छोड़कर ये वाली निशान पे 1.25 इंच। अब हमें पौने 1 इंच, तो पौने 1 इंच का निशान हमें कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर ये जो बड़ी लाइन है 1 इंच, इसके बाद छोटी लाइन, फिर यहाँ पर ये वाली लाइन, पौने 1 इंच हो गया। तो इस तरह आप पौने 2 इंच, 1.25 इंच, पौने 3 इंच, 1.25 इंच, इस तरह आप इसकी नाप कर सकते हैं। तो आप जरूर याद रखिए, इस तरफ इंच है और इस तरफ सेंटीमीटर है। तो इस तरह आप कपड़े को अपने आराम से नाप सकते हैं और इंची टेप को समझ सकते हैं। तो हमने भी इस वीडियो में इंची टेप को बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।